अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि आयल पंप गरारी को किस तरह चेंज किया जाता है। ये हमें एक भाई ने कॉल किया है कि यार आयल पंप गरारी को चेंज करने का तरीका क्या है, अगर आपने मुकम्मल इंजन खोला है तो आयल पंप गरारी आप किस तरह चेंज करेंगे, ये आज हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो ये स्पेशल उस भाई के लिए वीडियो बना रहे हैं जिसने हमें कॉल किया है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये इसकी आयल पंप गरारी लगी हुई है पुरानी, इसको खोलते हैं। खोलने का तरीका क्या है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने पेचकस फंसाना है। ये एक वन साइडेड पेचकस यहाँ पे आपने रखना है और दूसरी साइड से आपने प्लास से पकड़ना है इसको, या इस तरह की कोई चाबी हो आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप इस प्लास से या प्लासी से पकड़ के इसको खोल सकते हैं। यहाँ से आपने इसको घुमाना है तो ये खुल जाएगा, लेकिन मेरे पास ये चाबी मौजूद है तो मैं इस चाबी से खोलने वाला हूँ। ये चाबी को आपने इस राड में यहाँ पे लगाना है, लगा के दोस्तों आपने इसको घुमाना है तो ये राड जो है बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। ये देखो दोस्तों, इसका राड जो है खुल चुका है। अभी आयल पंप गरारी को इस तरीके से आपने निकाल लेना है। तो ये इसकी आयल पंप गरारी पुरानी जो है हमने खोल दी है, ये इसका राड है, इसको अभी हम साफ़ कर लेते हैं। साफ करके दोस्तों, ये न्यू आयल पंप गरारी है, इसको यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों ये इसकी पुरानी आयल पंप गरारी, यहाँ से ये टूटी हुई है इसीलिए ये चेंज कर रहे हैं हम, और ये न्यू है बिल्कुल ज़ीरो मीटर, इसको हम अभी लगाते हैं। दोस्तों इसकी एक साइड ये होती है, एक साइड ये जो कट वाली साइड जिधर बनी हुई है ये आपने ऊपर की तरफ रखनी है, और यहाँ पर इस तरीके से आपने आयल पंप गरारी को रख देना है। रख के दोस्तों इस साइड से आपने इस राड को गुजार के टाइट कर देना है। दोस्तों इसको टाइट करने का भी वही तरीका है जिस तरीके से हमने खोली है। ये देखिए यहाँ पे ये आपने पेचकस रखना है, पेचकस रख के आपने इसको प्लास से, या अगर आपके पास ये चाबी नहीं है तो आप प्लास से इसको टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आयल पंप गरारी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, जो इसकी पुरानी आयल पंप गरारी थी ये हमने निकाल दी है, न्यू इंस्टॉल कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बनी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जिस भाई ने हमें कॉल की थी उसको भी इसकी समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरह चेंज की जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।